तो ये जगह है मडौ, जहाँ से आपको अपनी ट्रैकिंग स्टार्ट करनी पड़ती है चूड़धार की। यहाँ पर अपना आप बाइक और व्हीकल्स पार्क करें, और यहाँ पर दो चार ढाबे भी हैं, खा भी सकते हैं आप थोड़ा बहुत। और ये आ गए हैं भाई साहब ट्रैक करके। चलिए जी, अपना भी ट्रैक स्टार्ट। काफ़ी ठंडा है भाई, गुटकी में पैक होकर के आया। ये इस तरह का डेंस फॉरेस्ट है, और अभी फ़िलहाल मैं ही चल रहा हूँ। यहाँ पर कुछ लोग गए हैं अभी आगे, मेरे आगे ग्रुप था, चार पांच लोग थे, तो लोग मिलेंगे क्योंकि कुछ व्हीकल्स तो खड़ी हैं यहाँ पर, मतलब लोग चले गए यहाँ के, पर मोस्टली लोकल है यहाँ के लोग, तो ये लोग ना फास्ट कर लेते हैं। और बड़े सारे लोग अभी मुझे कुछ लोग वापस भी आते हुए दिखे, तो वो लोग कल चले गए थे, वहाँ लोग वहाँ रुकने का भी इंतज़ाम है ऊपर, तो लोग रुकते हैं रात को और सुबह वापस आ जाते हैं, तो ये भी एक ऑप्शन है। कहते हैं ऊपर रुकने की जगह है, अब वो इंतज़ाम कैसा है ये मुझे पता नहीं है, शायद वहीं जाके पता चले, टाइम मिला तो देखूँगा। फिलहाल चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। पूरे फॉरेस्ट में ऐसा लग रहा है सिर्फ मैं हूँ और कुछ चिड़ियाँ जो बोल रही हैं। रास्ते में चलते चलते आपको इस तरह के पेड़ों पर लगे हुए डायरेक्शन के लिए ये बोर्ड हैं, जो भी लगाए इन्होंने, वो मिलेंगे, जहाँ पर आपको पता चलेगा कितना डिस्टेंस है। जैसे ये मुझे बता रहा है 5.1 करीब बोल रहा है, और ऐसे पत्थरों पर भी कहीं कहीं पर निशान लगे हुए हैं, मतलब लिखा है कि आपने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया है या ये मंदिर मार गए। तो अगर आप अकेले हैं तो ऐसे कुछ परेशान होने या घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डायरेक्शंस हैं रास्ते भर में। इधर देखिए फॉरेस्ट, देखिए कितना डेंस है, कितना डेंस है। तो ये रास्ता ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपको एकदम स्मूथ प्लेन मिलेगा, कुछ इस तरह के पत्थर वगैरह भी, आपको पथरीला रास्ता बेसिकली मिलेगा, तो थोड़ा केयरफुली चलें। और जब आए तो शूज़ अपने ट्रैकिंग वाले शूज़, अगर आप हाइकिंग ट्रैकिंग वाले शूज़ अगर आप पहन कर आएँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा, और केयरफुली तो बिल्कुल चलें, क्योंकि लेफ्ट में सिर्फ खाई है सीधा, इतने इसके बाद में। लोग तो नहीं हैं, लेकिन कंपनी के लिए यहाँ पर गायें वाएँ घूम रही हैं, चरने आई हुई हैं। कहाँ कहाँ खतरनाक खतरनाक रास्ते चली जाती हैं। चढ़ते हुए लग रही है गर्मी, तो कभी कैप उतारनी पड़ रही है, कभी पहननी पड़ रही है, कभी जैकेट बंद करनी पड़ रही है, और कभी खोलनी पड़ रही है। देखिए सामने जो देख रहे हैं ना, वो कुछ अबंडेंड टाइप के घर लकड़ी के बने हुए, पूरे 1, 2, 3 एक चौथा ऊपर भी दिख रहा है। ये वाला स्ट्रेच काफ़ी स्टीप दिख रहा है। ओह, अब आगे सीधी खड़ी चढ़ाई, ऐसे जा रहे हैं। कृपया अभयारण्य में गंदगी ना फैलाएं, मतलब जंगल में गंदगी ना फैलाएं, लेकिन वही चारों तरफ गंदगी है अनफॉर्चुनेटली, सारा प्लास्टिक वेस्ट है।
मुझे पूरे रास्ते पर ही गंद दिख रहा है, कि ऐसे पेड़ों के पास में पड़ा हुआ हर जगह गंद है। लुक एट दिस, पूरे एरिया में, ट्रैक के एरिया में इस तरह पेड़ों के पास में, पेड़ों के अंदर ऐसे कुछ जहाँ पर थोड़ी सी स्पेस हो, गंद पड़ा हुआ है। इंसान जो है ना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, नेचर को इतना एक्सप्लॉइट कर रहा है, वो इतना एक्सप्लॉइट कर रहा है, कोई लिमिट नहीं है। देखिए भाई, ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है, ये पड़ा रहेगा ऐसे सालों, हमारे तुम्हारे मरने के, हमारी कई पुश्तों के मरने के बाद भी। अभी तक रास्ता काफ़ी आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ा केयरफुली चलना है, क्योंकि रास्ता जगह जगह पर नैरो है और पत्थर हैं, तो देख के आपको पैर रखना है, पैर फिसलने का डर हो सकता है ना। मस्ते भाई, ये आ गया मिड पॉइंट, आ गया क्या, आधा रास्ता है ये आगे थोड़ा, अच्छा थोड़ा, कोई नहीं, मुझे लगा कि मिड पॉइंट आ गया, आधा रास्ता, जहाँ पर शायद बैठने खाने पीने की व्यवस्था है। कितना रह गया यहाँ से मंदिर भाई साहब, और किलोमीटर कितना होगा, तीन दो किलोमीटर आ गया मैं यहाँ से, मंदिर मंदिर चार है और फिर उसके ऊपर और है, एक किलोमीटर एक और है ना, ठीक है, चलिए ठीक है, धन्यवाद जी। ये करीब दो किलोमीटर जाने के बाद, चलने के बाद, एक यहाँ पर चाय पानी की दुकान आती है, आप खा भी सकते हैं यहाँ पर से, चाय पी सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं बेसिकली। दो ढाई किलोमीटर के बाद है अप्रॉक्सीमेटली। क्या बढ़िया मस्त हवा चल रही है, एकदम खड़ी चढ़ाई है, फिर से वापस ऐसे ऊपर की तरफ वहां जाना है कहीं। पता नहीं कहाँ है, घूम घुमा करके वहीं से वापस आ गया, वहीं जा रहा हूं मैं। बहुत सारे अलग 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 ऐसे रास्ते दिख रहे हैं, कोई कहीं से जा रहा है, कोई कहीं से जा रहा है। पेड़ कैसे गिरे पड़े हैं चारों तरफ, सब ये पुराने पेड़ होंगे। अदरवाइज बोर्ड में लिखा है कि आप अभयारण्य क्षेत्र में हैं, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अनुसार यहाँ चराई, अवैध कटाई और शिकार निषिद्ध हैं, मतलब आप रिजर्व फॉरेस्ट एरिया में हैं। गंद कितना पड़ा है यार, प्लास्टिक वेस्ट कितना है, पहाड़ में प्लास्टिक वेस्ट इतना हो गया है, और ये सब जो ट्रैक पर जाने और ट्रैक पर जो जाने वाले आने जाने वाले लोग हैं, खाते पीते उन्हीं का है, खाया फेंक दिया। ऑनेस्टली इसका सलूशन ऐसे, जब तक हम लोग इंडिविजुअल लेवल पे कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं हो सकता। कौन साफ करने आएगा यार, यहाँ लोग ही नहीं दिख रहे अभी तक, मुझे कुल मिला करके 15 लोग भी नहीं दिखे होंगे अब तक ऊपर आने जाने वाले, तो सफाई करना कितना मुश्किल काम है यार, कैसे सफाई हो सकती है यहाँ की। ये हमारी अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ऐसे नहीं फेंकें, कुछ खाना है बैग में रख के वापस ले जाए, बोलते हैं यार कहीं नीचे जाकर के डस्टबिन जहाँ होते हैं वहाँ फेंके। काफ़ी लोग यहाँ पर शाम को जाकर रुक जाते हैं और फिर सुबह वापस आते हैं, वो भी सही है वैसे, है ना, ऊपर रुकने की जगह तो है, बोलते हैं धर्मशाला टाइप का होगा कुछ। यात्रा घूमना पर ज़्यादा तो महीने में अप्रैल मई जून तीन, अच्छा अप्रैल मई जून, गर्मी के छुट्टियों का मौसम भी होता है जो, उसमें ज़्यादा रश रहता है, तो लोकल ज़्यादा होते हैं कि बाहर से लोग ज़्यादा आते हैं, अच्छा इधर उधर से जो घूमने फिरने आए। ये जो आपका उत्तराखंड, अच्छा अच्छा सिरमौर, अच्छा अच्छा काफ़ी लोग इस तरह से आते हैं। ये आपका ऊपर तक 6 किलोमीटर है ना,
वही हाइट अप बढ़नी शुरू होती है ना। हाँ हाँ जी क्या सर क्या मैं आईटी में जॉब कर रहा हूँ आईटी कर रहा हूँ। हाँ जी तो करीब 3-3.5 किलोमीटर हुआ होगा मुझे लग रहा है। मैं ज़रा फ़ोन पर मैंने ऐप में चालू कर दिया था ट्रैक देखूँ कितना डिस्टेंस ये दिखा रहा है। 4 किलोमीटर बता रहा है पता नहीं ये तो यहाँ तो लोग 3-3.5 किलोमीटर बोलते हैं। ये 3-3.5 किलोमीटर होता है ना ये 3-3.5 किलोमीटर तक होता है ना। अच्छा नंगे पैर जा रहे हो और यहाँ का जो ऑल्टीट्यूड है 3050 meters एज पर GPS। भाई अभी हमें ये रास्ता लेते हुए अभी और ऊपर की तरफ वहाँ ऊपर कहीं जाना है वहाँ और ये मिड पॉइंट है यहाँ पर फिर वही अगेन रेस्टिंग पॉइंट्स हैं खाने पीने की दुकान है चाय पीजिए खाना खाइए लोकल मिठाई खाइए। किस चीज़ की मिठाई है बेसन की अच्छा चाय पी लेते हैं भूख वक्त तो नहीं लगी चाय पी लेंगे चाय अच्छा आओ पानी का पॉइंट भी है भाई यहाँ पर पानी का सोर्स भी है अगर पानी वानी किसी को भरना हो तो भरा जा सकता है। तो चाय पी करके एक कप फटाफट से वापस चूड़धार की तरफ आ जाओ चलो आ अब ऊपर जाके खिलाऊंगा चलो साथ में चलो आ जाओ चले इन लोगों के साथ में मैं जा रहा हूँ। ये सारी चढ़ाई ऐसी है क्या ऊपर तक की अब ये अब सीधी खड़ी चढ़ाई शुरू हो गई है थोड़ी थोड़ी अभी बोल रहे ऊपर जाकर और ज़्यादा है सांस फूल गई एकदम से चढ़ने में पीछे रेंजेस नज़र आ रही है और ये रास्ता ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से 4 किलोमीटर था और एलिवेशन इसकी है 3000 meters कन्वर्ट कर लो यार फीट पे आप इसको सांस चढ़ रही है अब क्योंकि हम 10,000 फीट के ऊपर आ गए तो जगह जगह बर्फ़ दिखने लगी है थोड़ी थोड़ी सफ़ेद अभी यहाँ नज़र आई थोड़ा ऊपर जाके देखेंगे। थोड़े दिन पहले बता रहे हैं 10-15 दिन पहले यहाँ बर्फ़ गिरी थी तो वो जमी हुई है और अब तो क्योंकि मौसम ठंड का आ रहा है तो जमी रहेगी वो मोस्ट लाइकली इनफैक्ट बहुत गिरेगी और अब जो चढ़ाई है वो बहुत ही ज़्यादा स्टीप हो गई है दम निकल गया पसीने आ रहे हैं कपड़े मुझे लग रहे हैं जरा से ज़्यादा पहना है इतनी भी ठंडी है। लोग वापस आ रहे हैं ये देखिए सामने काफ़ी जगह बर्फ गिरी हुई है सफ़ेद सफ़ेद जो आपको दिख रहा है थोड़ा थोड़ा। आज आप सुबह गए थे ऊपर कल गए थे अच्छा वापस आ रहे हैं छोटे छोटे बच्चे भी आ रहे हैं सारी बर्फ गिरी है ये देखो जी कूद के आ रहे हैं वहाँ से आओ वहाँ यहाँ से आओ ऐसे अरे बाप रे बच्चों को थोड़ा डर नहीं लगता आराम से
तो बढ़िया जगह है यार। बर्फ गिरी हुई हर तरफ, ऐसे जाना है ऊपर चढ़ाई करके, देख रहे हो आप। रास्ते ढूंढने पड़ रहे हैं क्योंकि कोई रास्ते नहीं है, उधर पड़ी हुई बर्फ, तो ऐसे पत्थरों पत्थरों के बीच से जाना है, और गीला भी हो रहा है तो बर्फ का गीला ऊपर से ना, तो ये थोड़ा मिट्टी के साथ मिल करके स्लिपरी हो जाते हैं। ऊपर तक सारी बर्फ गिरी हुई है, वहाँ देखिए सही लग रहा है, एकदम साफ सुथरी बर्फ। तो हमें कहीं ऐसे घूमते हुए वहाँ कहीं ऊपर की तरफ जाना है, बचा होगा मुझे लगता है अभी 1 किलोमीटर आराम से। और ऐसी जगह पर खड़ा हूँ मैं अभी, पीछे पूरा मुझे पीछे पूरी हिमालय रेंज नज़र आ रही है, बादल लग गए हैं, और मौसम उतना साफ नहीं रहा है अब, होपफुली ऊपर पहुँच, क्योंकि हवा चल रही है, होपफुली ऊपर पहुँचते पहुँचते थोड़ा साफ हो जाएगा। लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और चढ़ाई बहुत खड़ी है, दम निकल गया है। लास्ट के 1.5-2 किलोमीटर में तो रुक के चलना पड़ रहा है। हाँ डेरा कह रहे हैं, वो उधर बीच में दिख रहा है लाल सागर दिख रहा है कैमरे में तो बंदे रहे, और ऊपर जो दिख रहे हैं पहाड़, वहाँ पर वो शिवजी जी की मूर्ति है जहाँ तक जाना है। किसी बच्चे भी छोटे छोटे आए लोग होंगे, कैसे आए होंगे ये लोग। सुबह आए थे आप लोग? अच्छा कल आए थे, रुक कर आए हैं वापस। ये थोड़े से एकदम ओपन स्पेसेस बुग्याल टाइप की जगह हैं, बीच में भी कुछ व्यू पॉइंट लग रहा है या बैठने की जगह है। गुफाओं गुफाओं के बीच में से अबे गुजर रहे हैं, मंदिर भी क्या क्या जगहों पर जाके बनते हैं। बर्फ कितनी सही लग रही है, एकदम साफ मिल्की वाइट। इंसानों ने आकर यहाँ गंदे नहीं मचाया ना अब तक, इसलिए
फाइनली पहुंच गए जी चूड़ार मंदिर। और ये लास्ट स्टेज कैसा है भाई? ऐसा है, कोई रास्ता नहीं है, बस ऐसे ही पत्थरों पर शिलाओं पर पैर रख कर आपको चढ़ना है और बहुत संभल के चढ़ना है क्योंकि गिरे तो बहुत कुछ टूटेगा और नीचे तक जाएंगे फिसलते हुए। भाई देखिए यहाँ पहुँचे फाइनली। ओहो वहाँ से नीचे से आया हूँ ऑलमोस्ट, थोड़ा आगे तक बाइक लेकर फिर वहाँ से ऊपर घूमते हुए ऐसे ऊपर। चलिए जी कुछ दुकानें सही खाने पीने की कुछ दुकानें हैं, कुछ पूजा पाठ के सामान की दुकानें। यहाँ तो बर्फ पड़ी हुई है, ये अकोमोडेशन है, यहाँ अगर आप आते हैं रुकना चाहते हैं तो रुक सकते हैं प्रोवाइडेड अवेलेबिलिटी हो। ऊपर भी रूम दिख रहे हैं, एकदम इंटीरियर का पहाड़ी बाजार जैसे होते हैं ना वैसा, लकड़ी और टीन के बने हुए कुछ कुछ घर, घर नहीं दुकानें। कुछ सामान मिल रहा है यहाँ पर ऐसा, खाने पीने की जगह भी है, चाय पानी पीने की जगह। वो ऊपर मंदिर है क्या? हाँ जी, ये मेन मंदिर है जी, यही है ऊपर है मेन मंदिर। और यहाँ चल रही है वॉलीबॉल, फिक्स टिपिकल पहाड़ी गेम। आप उत्तराखंड जाएंगे हिमाचल जाएं आपको ये खेलते हुए दिखते हैं लोग, बढ़िया गेम है। मैंने लिया यहाँ से कुछ प्रसाद चढ़ाने के लिए, पहुँच गए जी फाइनली चूड़धार मंदिर। हिमाचल की जो नक्काशी होती है ना मंदिरों में बहुत ही सुंदर लगती है। अभी मैं खड़ा हूँ बिल्कुल जो मंदिर है चूड़धार का उसके बिल्कुल सामने, शिव जी का मंदिर। और यहाँ पर खड़ा हूँ मैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छी हवा चल रही है एकदम। और नीचे चल रही है वॉलीबॉल, उधर है सारी रेंजेस, सारी वाले रेंजेस। मैं जा रहा हूँ जहाँ पर लंगर होता है वो जगह की तरफ। और भैया बर्फ़ पड़ी, फिसलने वाली ना हो, बस नहीं जमी हुई है।
मंदिर परिसर में बढ़ती है जगह। देखिए जरा कहाँ है, नीचे दिख रहे हैं लोग कुछ। मंदिर से थोड़ा सा नीचे आकर के यहाँ पर लंगर करने की जगह, लंगर ग्रह कह सकते हो आप, जो भी कह सकते हो। तो यहाँ से आपने अपने बर्तन वर्तन उठाने होते हैं और यहाँ बैठ करके ये लंगर करने की जगह है। यहाँ कुछ भाई लोग भी मुझे मिले थे कल भी, लंगर कर रहे हैं। थाली मेरी कार की है। अच्छा वहाँ से लेना है क्या? अच्छा सेल्फ सर्विस है, कोई है अंदर वहाँ? अच्छा भैया दे दीजिए थोड़ा सा खाना, थोड़ा सा दे दीजिए खाना। थोड़ी देना। जी तो मंदिर कैंपस से कि वहीं पर ही पास में नीचे लंगर खाने की जगह, लंगर करा, फटाफट से खाया थोड़ा सा और निकल लिया हूँ। ऊपर शिवजी जी की जो मूर्ति है वहाँ तक जाने के लिए, जो बेसिकली आप कह सकते हो कि इस पूरे इलाके का जीरो पॉइंट टाइप्स है। 360 डिग्री व्यू नज़र आता है वहाँ से, हाईएस्ट पॉइंट है यहाँ का। तो पहुँचने में आधा घंटा लगेगा। डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है पर चढ़ाई बहुत है, खड़ी चढ़ाई है और दम निकल गया। हाइट है ना तो ऑक्सीजन लेवल जो है काफ़ी कम है। हाइट देखते हैं इसकी, ये है 12 से तो ऊपर है ही ऑब्वियसली, 12,000 फीट से कितना ऊपर है वो देखते हैं। तो यह है 12,342। तो यहाँ तक आकर पता चला कि अभी वहाँ तक जाना है और अभी से दम उखड़ गया। चलो भाई अब यहाँ ना रास्ता भी बहुत बड़ा गड़बड़ सा है, उतना क्लियर नहीं है और ये बर्फ़ है, फिसलने वाली ना हो बस। सब ऐसी खड़ी चढ़ाई है, ये जाना है फिर से बीच बीच से कहीं निकल के रास्ता जा रहा है उधर। बहुत ही ज़्यादा स्लो स्पीड से चल रहा हूँ। 15-20 मिनट तो मुझे ऑलरेडी हो गए हैं और जुबान बाहर आ गई है, फेफड़े बाहर लगा के चिपक गए ऐसा लग रहा है। ओह गॉड, सिर्फ चलने की ये बात नहीं है, ये काफ़ी हाइट पर पहुँच, मतलब ऑलमोस्ट 13,500 फीट पर हूँ। तो ऑक्सीजन लेवल लो और ऑब्वियसली दिल्ली जैसे शहर में रह करके हमारे फेफड़ों की ऐसी तैसी हो चुकी है और उन्हें अडेप्ट करने में टाइम तो लगेगा ही। हाँ हे राम, मतलब जब मैं जहाँ से चला हूँ वहाँ से लेकर यहाँ तक मैं आज सुबह 4-5 हज़ार फीट जो है एसेंट गेन कर चुका हूँ। चलो जी महादेव का नाम लेके बस थोड़ा सा और। आई थिंक ये लास्ट का बस थोड़ा सा कुछ मीटर्स होंगे, लास्ट का एसेंट है और ये कुछ इस तरीके का है। भाई ध्यान से चलना है आपने, भाई खराब यहाँ है तो लास्ट एसेंट ऐसे मुझे लग रहा था। नहीं यार थोड़ा सा और है अभी तो। वहाँ उधर बीच में एक डीप सी वैली दिख रही है ना आपको, वो उधर बीच में छोटी सी, वहाँ उधर से मैं आया था सुबह, अब तो यहाँ आ चुका हूँ। थोड़ा सा और जाना है। बस पहुँच गया ऑलमोस्ट वो है पॉइंट, दम निकल गया।
यहाँ लोगों ने जूते उतारे हुए। ऊपर जाने नीचे उतरने तो मुसला लड़ता हुआ है ज़्यादा है ना। अरे बाप रे, बड़ा ठंडा है। फाइनली यहाँ भी पहुँचे। ये जो शिव जी की ग्रैंड मूर्ति है यहाँ तक भी पहुँच गया 40 मिनट ट्रैक करके। बाबा जी को सो रहे हैं ऐसा लग रहा। नीचे से मैं 8 किलोमीटर का ट्रैक करके पूरा ऊपर तक यहाँ तक आया हूँ जो यहाँ का हाईएस्ट पॉइंट बोला जाता है और ये आउटर हिमालयाज का हाईएस्ट पॉइंट भी बोला जाता है। तो ये ऐसे यहाँ पर शिव जी की मूर्ति है सुंदर सी। लोग कुछ आए हुए हैं और भी इधर उधर से। ये बाबा जी हैं यहाँ पर नीचे। अमेजिंग प्लेस, बहुत ही अमेजिंग। चलिए जी अब नीचे उतरने का टाइम आ गया। अब नीचे उतरने में कितनी मुश्किल थी ये देखते हैं। सांस तो नहीं चलेगी एटलीस्ट, पर थोड़ा केयरफुली चल उतरना ही होता है। ढलान है 30 मंदिर के, थोड़ा 1.5 किलोमीटर और नीचे तक थोड़ा ध्यान से जाना है क्योंकि ऐसे एकदम खड़ी उतराई है कुछ इस तरह की। उसके बाद तो फिर ठीक ही है, पर फिर भी रास्ता तो है ही 8 किलोमीटर। अब 8 किलोमीटर आप उड़के तो जा नहीं सकते कि फटाफट आधे घंटे पहुँच जाए। और ये खासकर बर्फ, ये बर्फ वाला तो बहुत ध्यान से देखना भाई, पैर फिसल रहे हैं। ओ भाई फिसल गया था अभी मैं, बस यही ध्यान रखना है। ये देखिए ऐसे उतरना होता है, यहाँ से नीचे उतरना है। ये थोड़ा खतरनाक होता है नीचे उतरना, ऐसे स्लिप होने का डर होता है। बंद करता हूँ इसको मैं ज़रा 2 मिनट। टाइम हुआ 4:40 और मैं अभी तक सिर्फ जो मिडवे पॉइंट था हाफ पॉइंट जहाँ मैंने मिलकर चाय पी थी वहाँ पहुँचाऊँ। कब नीचे पहुँचूँगा भाई मैं, नीचे उतर में इतनी देर लग रही है। पैर भी दर्द हो रहे हैं थोड़े थोड़े। एक्चुअली ऊपर चढ़ते हुए पैर दर्द बिल्कुल नहीं, वैसे नीचे उतरते हुए ही हो रहे हैं और वही होता है मेरे ख्याल से। पता नहीं कैसे निकलूंगा यार, मुझे भी निकलना था यहाँ से, काफ़ी अंधेरा हो जाएगा वहाँ पहुँचते पहुँचते। टाइम हुआ है शाम के 5:40 और मैं आई थिंक ऑलमोस्ट पहुँच गया हूँ। 2-4 मिनट का रास्ता और रह गया, जान में जाना ही है। लग रहा था अंधेरा ना हो जाए बिल्कुल, एकदम फॉरेस्ट में कुछ इस तरह का सीन हो गया। और प्रॉब्लम चक्कर क्या है कि मेरे अलावा कोई था ही नहीं। मैं कहाँ से आया था भाई, अच्छे से ऊपर से आया हुआ। अरे भाई चलते चलते मैं गलत आ गया। जो मैंने छोड़ा था वही था,
यहाँ आगे आया तो यहाँ पूरे खिसका हुआ था, रास्ता ही नहीं था कोई आगे। वापस भी जाना पड़ेगा ऊपर। तो जब आप अपने जहाँ पार्किंग का पॉइंट है यहाँ पर वहाँ पहुँचने वाले होते हैं, तो वहाँ पर एक रास्ते आते हैं, दो रास्ते। एक कुछ यहाँ पर कुछ होगा, खाने पीने का जगह होगी, बनाई होगी, बंदा है अभी फ़िलहाल। तो वहाँ से नीचे को जाता है रास्ता, उसमें नहीं जाना है आपने, आपने लेफ्ट वाले रास्ते पे ही जाना है। मैं नीचे चला गया था अभी, वो आगे 200 मीटर से वापस आया हूँ दोबारा से, ऐसे लेट हो रहा है और ये सब काम। मैं वहाँ नीचे चला गया था अभी और वहाँ से वो टूटा पड़ा है, बंदा आ गया, यही है सब। लो जी, फाइनली हो गई यात्रा पूरी। बाइक कहाँ है दिखे जाए, भैया काफ़ी गाड़ियाँ पार्क हैं यहाँ पर यार। अच्छा, ये सब वो लोग हैं जो रात को रुकने वाले हैं। बैक टू पवेलियन, टाइम हुआ है, कितना टाइम हुआ है, 6:24। अब पहुँचा हूँ मैं और यहाँ हाथ से गिरने का पूरा इंतजाम है।